हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और ये इस चैनल की पहली हिंदी वीडियो है। तो अगर आप सबको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इस चैनल को हिंदी में शिफ्ट किया जाए या नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HP Omen 15 के 2021 वेरिएंट की, जिसमें NVIDIA का 3060 ग्राफिक कार्ड लगा है और Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। इस वीडियो में हम इसकी गेमिंग और एडिटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। बात करें इसकी डिज़ाइन की तो डेफिनेटली ये लैपटॉप देखने में प्रीमियम लगता है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। राइट हैंड साइड पर आपको कुछ स्टिकर्स और Omen 15 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और लेफ्ट साइड पे Bang Olufsen की ब्रांडिंग, जो कि स्पीकर मैन्युफैक्चरर है, और साथ ही साथ HP का सपोर्ट स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप के ठीक बीच में Omen की ब्रांडिंग है और सबसे ऊपर एक 720p का वेबकैम। लैपटॉप की बॉडी में आसानी से निशान लग सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाथ धो के इसे इस्तेमाल करें, वरना इसे साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इस लैपटॉप के राइट हैंड साइड पे आपको दो USB पोर्ट, वेंट्स और USB-C एंड थंडरबोल्ट पोर्ट दिया गया है और लेफ्ट साइड पे एक HDMI पोर्ट, USB 3.0 पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm का हेडफोन जैक और इथरनेट पोर्ट और एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। ये इस लैपटॉप के स्पेक्स हैं और इन स्पेक्स को पाने के लिए आपको 1,23,000 के करीब खर्चने पड़ेंगे यदि आप HP की ऑफिशियल साइट से इस लैपटॉप को खरीदते हैं। बाकी कुछ साइट्स पे जैसे कि क्रोमा पे ये 1,17,000 का भी मिल रहा है। बेस्ट प्राइस वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले की तो ये एक 144 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले है जो 72% NTSC के साथ आता है, जो लगभग 99% sRGB है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है जो 141 PPI के साथ आता है। ये डिस्प्ले एडिटिंग और गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसके कलर्स काफ़ी नेचुरल और बैलेंस्ड हैं और ये डिस्प्ले 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। इस लैपटॉप की डिस्प्ले की एक और खासियत है कि आप AMD के रेडियन सॉफ्टवेयर की मदद से इसके कलर टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात करें इसके कीबोर्ड की तो ये एक 4-Zone RGB कीबोर्ड है जो अलग अलग लाइटिंग मोड के साथ आता है, जिसे आप HP के Omen लाइट स्टूडियो से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बात करें इस लैपटॉप के हिंज की तो काफ़ी स्टर्डी ओपनिंग मैकेनिज्म के साथ ये लैपटॉप आता है और इस लैपटॉप की डिस्प्ले में वॉबल का काफ़ी बड़ा इशू है, जो थोड़ा अनोइंग लगता है। बाकी इस लैपटॉप की बॉडी एल्यूमिनियम से बनी है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी स्टर्डी है। ये लैपटॉप का एक्चुअल वेट 2.2 kgs है, पर यह लैपटॉप को मैं एक हाथ से भी उठा सकता हूँ क्योंकि मेरा 2.5 kilos का हाथ है। मजाक कर रहा था, पर सीरियसली ये लैपटॉप उतना भारी लगता नहीं है। बात करें इस लैपटॉप की गेमिंग एक्सपीरियंस की तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ आता है। NVIDIA का 3060 ग्राफिक कार्ड एक कैपेबल ग्राफिक कार्ड है। इस लैपटॉप में मैंने AAA टाइटल्स जैसे कि GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2, Forza Horizon 5 जैसी गेम्स खेली और मुझे हर गेम में हाई सेटिंग्स पे ऑन एवरेज 70-100 के बीच FPS मिले। हाँ, रेड डेड रिडेम्पशन 2 में मुझे हाई सेटिंग्स पे ऑन एवरेज 55-70 के बीच FPS मिले। खैर, इस गेम की तो बात ही अलग है। इस गेम के लिए 4 3060 ग्राफिक कार्ड भी लगा दे तो भी 100 FPS नहीं मिलेंगे। मजाक से हटके ये लैपटॉप गेमिंग के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। बात करें इस लैपटॉप के वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो ये लैपटॉप फुल HD और 4K एडिटिंग इनेबल्ड है और इस लैपटॉप पे मैं रेगुलरली अपनी YouTube वीडियोस को एडिट करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये लैपटॉप वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा और रिलायबल ऑप्शन है। मेरी सारी वीडियोस 4K 40 bit पे एक्सपोर्ट होती हैं और लगभग 8-10 minutes लगते हैं एक 5-6 minutes की वीडियो को एक्सपोर्ट होने के लिए। बाकी फ़ोटोशॉप और लाइटरूम भी मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी फास्ट वर्कफ्लो ऑफर करता है ये लैपटॉप। बात करें इसकी बैटरी लाइफ के बारे में तो ये लैपटॉप एक 70W बैटरी के साथ आता है। इस लैपटॉप को मैंने मूवीज़, वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग के लिए यूज़ किया और ऑन बैटरी मुझे मूवीज़ में 6 hours का बैटरी बैकअप मिला और गेमिंग में 4 hours 25 minutes का बैटरी बैकअप मिला। पर 50% पे मुझे सिग्निफिकेंट फ्रेम ड्रॉप्स का एक्सपीरियंस करना पड़ा, तो गेमिंग मैं वाइड पे ही रिकमेंड करूँगा। ये एक FPS कंपैरिजन ग्राफ है 3060 वेरिएंट और 3070 वेरिएंट के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस है और इस कार्ड को क्लिक करेंगे तो आप 3070 Omen के रिव्यू पे चले जाएंगे। ओवरऑल ये लैपटॉप अपनी परफॉर्मेंस से अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है।
और अगर आप एक परफॉर्मेंस रिच लैपटॉप की तलाश में हैं तो ये लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कोई भी सवाल इस लैपटॉप से रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you.